नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि किस तरह से हम गहरी नींद में सोएं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें, हमारी वीडियो को देखने के लिए। और आप अगर हमारे चैनल्स पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो भी मैं डालूँ वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार, कौन कौन से आसन करने पे हमें गहरी निद्रा प्रदान होती है। तो मेरे दोस्तों, भोजन करने के कम 2 घंटे बाद हमें बिस्तर पे जाना चाहिए सोने के लिए। यदि आप मांसाहार भोजन करते हैं तो कम से कम 3 घंटे बाद, और आप यदि शाकाहारी हैं तो आप 1.5 से 2 घंटे में आप सो सकते हैं। तो सोने के पहले हम लोग क्या करें मेरे दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे व्यायाम बताने वाला हूं जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही गहरी निद्रा आने वाली है। तो इसमें हम पहला आसन क्या करेंगे मेरे दोस्तों, पहला आसन तो हम वज्रासन पर बैठते हैं। ये आसन हमारा वज्रासन है। एक खाना खाने के बाद ये बहुत ही कारगर आसन है हमारे खाने को पचाने के लिए। तो हम पहले वज्रासन पर बैठेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वज्रासन है। दूसरा आसन हम इसमें ऐड करेंगे बाल आसन। बाल आसन क्या होता है मेरे दोस्तों, देखें, इसमें दोनों हाथ हमारे पीछे की तरफ जाते हैं और सर हमारा आगे की तरफ आता है। ऐसे हम रख के बैठ जाते हैं, इसको बाल आसन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे करने से मन आपका बहुत शांत तो हो जाता है, एक छोटे बच्चे के समान आप हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर आप बहुत ही गहरी निद्रा में चले जाते हैं। ये बाल आसन, इसको बच्चे बहुत किया करते हैं। आप भी कभी बच्चे थे तो आप भी किया करते हैं। अब आप एक बार इसको फिर से करना शुरू करें। इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथ हम पीछे की तरफ ले जाते हैं और सर को हम अपने आगे रख देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इस आसन को करेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। उसके बाद 3 बार करेंगे, हम किसी भी आसन को 3 बार करते हैं। एक बार और करेंगे इसको, दोनों हाथ पीछे की तरफ ले गए और एकदम आराम से इस आसन को भी आप खाना खाने के बाद कर सकते हो। मैं आपको ऐसे आसन बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही गहरी निद्रा प्रदान करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा बाल आसन। दूसरा आसन इसी ऐसा ही है सेम, शशाक आसन। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, शशाक आसन में, इसमें हम हिंदी में इसको खरगोश कहते हैं और संस्कृत में होता है शशाक। खरगोश बहुत ही मृदुल स्वभाव का होता है, बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही मीठा होता है। तो आप भी अगर क्रोध से परेशान हैं तो आपका क्रोध पूरी तरह शांत हो जाएगा और आप पूरी तरह कोमल हो जाएंगे और एकदम मृदुल हो जाएंगे, बहुत ही मीठे हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही जल्द नींद आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, दोनों हाथ आगे की तरफ ले जाते हैं। बाल आसन में हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, शशाक आसन में हम दोनों हाथ अपने आगे की तरफ ले जाते हैं। पूरे रिलैक्स मुद्रा में दोनों हाथ आगे की तरफ ले गए और हम अपने सर को रख देते हैं, ऐसे पीछे से भी बैठने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ आगे की तरफ रहेगा हमारा और हम बहुत ही प्रेमी हो जाते हैं। ये आसन हमारे क्रोध को पूरी तरीके से शांत कर देता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, निद्रा में विचार, क्रोध और टेंशन, ये सब कारणों से हमें निद्रा नहीं आती, लेकिन जब हम इस आसन को करते हैं शशाक आसन, तो इसमें हम पूरी तरीके से मृदुल भाषी हो जाते हैं, बहुत ही मीठे हो जाते हैं, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में कहीं भी, उसके बाद हमें बहुत ही आराम से निद्रा आ जाती है। तो इसमें एक और हम एक बार करके देखेंगे शशाक आसन को। इसमें क्या करते हैं, हम दोनों हाथ आगे की तरफ ले जाते हैं, पूरी तरीके से हाथ आगे को ले गए और यहाँ पर सर रख दिया और पूरी तरीके से अपने आप को रिलैक्स छोड़ देते हैं।
जिससे हम बहुत ही शांत हो जाते हैं। ये हमें बहुत ही शांति प्रदान करता है। ये हमारे मन को पूरी तरीके से शांत कर देता है, जिससे कि हमें निद्रा बहुत ही आसानी से आ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम इसमें एक आसन और जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे कि ये बहुत बढ़िया आसन हमारा एक कॉम्बो हो जाएगा आसनों का, जिसके द्वारा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नींद आने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसको करते रहें, हमारे साथ ही करें, जिससे आपको एक बहुत ही आसन और जोड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया आसन है हमारा सेतु बंध आसन, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप लेट जाएं पहले। ये हम लेट गए। लेटने के बाद आप अपने पैरों को इतना मोड़ लें, हाथ नीचे की तरफ रहेंगे, ये अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे आप, जिससे जो भी वायु गैस पेट में भरी होगी या कोई भी गुड़गुड़ाहट समस्या पेट में बनी होगी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, और फिर आप पूरी तरीके रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है आज मेरे दोस्तों। ये ऐसे 3-4 आसन हैं जिनको आप जोड़ के करेंगे। इसमें हम पहले पैरों को इधर मोड़ते हैं, दोनों हाथ यहाँ समांतर रहेंगे नीचे, और अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाते हैं मेरे दोस्तों। इसमें ये सेतु बंध आसन है, इस आसन को करें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर किसी भी आसन को करते हैं तो कम से कम 3 बार ज़रूर करें इसको, और उसके बाद आपकी जितनी कैपेसिटी हो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार किसी भी आसन को ज़रूर करें। पैरों को मोड़ लिया, अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे इसको। ये हमने किया। ऐसी अगली वीडियो में फिर आपको हम मिलेंगे ऐसी नई नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार आप सबको।